सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम भी है और एक ऐसा अभ्यास है कि जिसको करके आप तन मन से एकदम सहज हो जाते हैं, आपकी शरीर तंदुरुस्त रहता है, शरीर खुल जाता है और नस नाड़ियाँ ठीक से काम करने लग जाती हैं। यानी ये एक ऐसा अभ्यास है, अगर सब धर्मों से जातियों से ऊपर उठ करके देखा जाए, इंसानियत के नाते पर शरीर की संरचना जो है उसके लिए जो सूर्य नमस्कार है वो सबसे अच्छा है। यानी इसमें कोई अंग ऐसा नहीं होता कि जिसको व्यायाम नहीं मिलता, हर अंग इसमें खिल जाता है, हर शरीर का पार्ट उसको एक्सरसाइज मिल जाती है। और ये 12 एक्सरसाइज का ये एक सेट है, इसको सूर्य नमस्कार बोल देते हैं। 12 यानी इसको 12 इसलिए करते हैं कि कारण कई लोग बताते हैं कि जैसे 12 घंटे का एक दिन हो गया, 12 की एक रात्रि हो गई, तो दिन भर का एक जो उसका सूर्य की 12 जो कलाएं हैं अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाता है। 12 कई लोग कहते हैं कि सूर्य के घोड़े हैं, इस तरह से उसको फिर जोड़ दिया, उससे कुछ रिलेट कर दिया। ऐसा तो चलो एक मानने की बात है, लेकिन 12 सेट से आपकी बॉडी को पूरा अच्छा व्यायाम मिल जाता है। फिर आप इसमें घूम के वहीं आ जाते हो जहाँ से चले थे, एक घड़ी की तरह, जैसे दिन पूरा घूम करके सूर्य वहीं पे आ जाता है फिर से, ऐसे आप अभ्यास में घूम करके फिर वहीं आ जाते हो, अभ्यास में घूम करके फिर वहीं आ जाते हो। आप लगातार करते भी जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही सूदिंग है, बड़ा ही आरामदायक है। कोई भी कर सकता है, सूर्य सबका है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, तो उसको एक इबादत है करनी, कोई बुराई नहीं होती। अगर आपका शरीर भी सुधर रहा है और आपका उसके साथ साथ आपकी डिवोशनल सर्विस भी हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इसको कई मंत्रों के साथ करते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बिना मंत्र के भी करें लेकिन रोज़ाना करें और पूरी निष्ठा से करें, पूरा तन मन एक करके करें, तो आपको बहुत लाभ करेगा। ये सूर्य नमस्कार हर तरह के रोग में काम आता है, खासकर शरीर को गठीला बनाने के लिए, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, नस नाड़ियों को शक्ति देने के लिए। और जो सूर्य नमस्कार सुबह उठ कर लेता है ना, फिर उसे चाहे कोई अभ्यास करवाओ या ना करवाओ, उसे हर तरह की शरीर की जो व्याधियां हैं जो फिटनेस के रिलेटेड है, यानी कई लोग कहते हैं हम जिम नहीं जाना चाहते क्योंकि एक तो हम इस योग से जुड़ना चाहते हैं लेकिन हम बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ कि जिससे हमें जिम जैसा ही एकदम पसीना आ जाए और पूरा व्यायाम हो जाए, तो सूर्य नमस्कार से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप इसको नित्य करें तो बहुत ही अच्छा है। आइए करते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे पहले अपने जो मैट आपने बिछाया है सूर्य की ओर मुख करके आप अपने मैट के आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप आगे खड़े होंगे तभी आपकी टांग पीछे जा पाएगी, अगर आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो फिर आपकी टांग मैट से बाहर निकल जाएगी, इसलिए अपने मैट पर रहना होता है, ये नियम है। और पैरों सीधे खड़े हो जाना है, सीधे खड़े यानी बराबर फासला पैरों में, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, एड़ियां बिल्कुल पास पास, और दोनों हाथों को जोड़ लेना है नमस्कार की मुद्रा में, और श्वास भर करके दोनों हाथ छाती के साइड पर होते, छाती के ऊपर होते इस तरह से, और श्वास भर के पीछे जाना इस तरफ, जितना पीछे जा सको जाओ, श्वास छोड़ के आगे। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना होता। और दोनों हाथों को आपने जमीन पर इस तरह से रखना है कि आपके जो पांव की छोटी कनिष्ठिका उंगली है उसके साइड पर बिल्कुल साथ साथ आपके हाथ का अंगूठा सक जाए, और फिर इसको यहाँ रख के माथा लगा लेना है घुटने पर, माथा घुटने पर नहीं लगता शुरू में, तो करना क्या, आहिस्ता इसको यहाँ लगाने का रियाज करना, जितना पीछे जाओगे उतना ही आप आगे माथा यहाँ लगा पाओगे, तो ये इस तरह से तीसरा अभ्यास हो गया। फिर चौथा, एक टांग पीछे चली जाती, कौन सी टांग पीछे जाएगी, लेफ्ट वाली, पहले लेफ्ट जाएगी, वापसी पे राइट पीछे जाएगी, ऐसे राइट को हमेशा आगे रखते हैं तो राइट आगे, और फिर दूसरी टांग भी उसके पास रख दी, और पर्वत आसन में आ गए, यानी आप बिल्कुल नीचे की तरफ अपनी नाभि को देखना है, और फिर
साष्टांग नमन करेंगे ऐसे, छाती जमीन पर, घुटने जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, पैर दोनों जमीन पर, लेकिन नाभि जमीन पर नहीं लगे, नाभि ऊपर उठा के रखना, फिर श्वास भर के ऊपर और फिर वापस श्वास छोड़ के इस तरह से, फिर इसके बाद लेफ्ट टांग आगे, बाई टांग आगे, पहले दाई आगे थी, वापसी पे बाई आगे, फिर दूसरी टांग आगे, दोनों टांगे आगे आगे और माथा घुटने पे लगा, फिर सांस भर के पीछे चले गए, सांस छोड़ के वापस। और ये एक बार ऐसे करना होता है एक अभ्यास के बाद, इसको बोलते हैं विच्छेद, यानी एक अभ्यास से मैंने विश्राम इसमें वापस आ गया, फिर दोबारा से हाथ रखे यहाँ पर और श्वास भर के श्वास भर के पीछे गए। एक चीज याद रखना, भर के पीछे गए, छोड़ के आगे, और ऐसे नहीं रहना, ये लोग ऐसे रहते हैं, ये लोग पैर पीछे रखते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, नहीं ऐसे पूरा ऊपर खींचे हुए, और फिर दूसरी टांग भी पीछे, फिर नीचे चले जाना श्वास भर के ऊपर वापिस, अब लेफ्ट टांग आगे रखे हुए गर्दन ऐसे, फिर श्वास छोड़ के माथा घुटनों पे लगाना, श्वास छोड़ के लगाना, फिर भरते हुए ऊपर उठना, फिर छोड़ के वापस, और ऐसे ये 7 से 11 बार कर लेना रोजाना। और जिनको थोड़े दुबले पतले होना है, थोड़ा ज़्यादा सुडोल बनाना शरीर को, थोड़ा ज़्यादा एकदम गठीलापन लाना है, वो इसको 21, 31, 51 बार भी कर सकते हैं। और जब जब आपका अभ्यास तेज हो जाए थोड़ा, तो आप इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। ये तो मैंने रुक रुक करके कराया, यानी हर आसन में, हर स्थिति में आप 10 सेकंड रुक जाओ शुरू में, लेकिन जब आपको करना आ जाए, जब 5-7 बार आपने रुक रुक के कर लिया, थोड़ा फिर एनर्जी आ जाती है, थोड़ा पसीना आने लगता है, फिर थोड़ा मन करने लगता है अभ्यास करने का, तो फिर आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। तो अब तेज कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, तेज करके फिर आप इस तरह से, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर आप ऐसे कर, इस तरह से आप इसको तेज भी कर सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से। और कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, और हर्निया हो तो पीछे नहीं झुकना, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। स्वस्थ व्यक्ति इसको करें, मोटापे से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकते हैं इसको। आप तेज भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, खून एकदम दौड़ता है तो पसीना आता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, शरीर के शरीर को सुडोल बनाने के लिए। और सूर्य नमस्कार में सब आसन आ जाते हैं, यानी जब आप नमस्कार करते हो तो इसको हम नमस्कार बोल देते हैं, हाथ पीछे लेके जाते हो तो इसको हम बोल देते हैं हस्तोत्तानासन, ये भी एक अलग आसन है, अलग अलग आसनों को जोड़ के सूर्य नमस्कार बनाया गया है हस्तोत्तानासन। फिर इसमें जब आप नीचे आ जाते हो तो पाद हस्तासन, ऐसे इसको पाद हस्तासन बोल देते हैं। फिर जब आप एक टांग पीछे कर देते हो और आप इस तरह से आ जाते हो तो फिर उसको बोल देते हैं अश्व संचालन आसन। फिर अश्व संचालन आसन, फिर जब आप नीचे इस तरह से लेटते हो तो इसको बोल देते हैं साष्टांग नमन, साष्टांग नमन, यानी
इसमें 8 अंग जमीन को छूते हैं, 8 अंग जमीन को छूते हैं और आप प्रणाम करते हो सूर्य को। कैसे 8 अंग छूते हैं? 2 है हाथ, 1 है ठोड़ी, 1 है छाती, कितने हो गए? 4, और फिर है 2 घुटने, 6, और 2 पांव, 8। इस तरह से आपके 8 अंग शरीर को जमीन को छूते हैं, तो ये साष्टांग नमन हो गया। फिर ये पर्वत आसन है, ये पर्वत आसन है, ये अश्व संचालन आसन है, ये फिर जो माथा यहाँ पे लगाना है ये पादहस्तासन है, और आखिर में फिर ऐसे करके हस्तोत्तान आसन करके फिर नमस्कार की मुद्रा में आए। तो ये हो गया पूरे 12 आसनों का एक पैकेज जिसको सूर्य नमस्कार बोल देते हैं। ये आप रोज़ाना कर सकते हैं, अपनी योग की चर्या में इसको शामिल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई इसमें जितने अभ्यास हैं, जो पीछे जा रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, जब जब भी ऐसे भी जब टांग करके ऊपर उठ रहे हो तो उसमें इनहेल करना, यानी कि यहाँ से आप शुरू करिए, सांस नॉर्मल भर के पीछे गए, छोड़ के आगे, फिर भर के टांग पीछे, छोड़ के पर्वत आसन में, जो पर्वत आसन होगा ना उसमें छोड़ के जाना है। फिर एक आसन ऐसा है इसमें जिसमें सांस ना भरनी है ना छोड़नी है, वो है साष्टांग नमन। जब आप नीचे लेट जाते हो उसमें आपने ना सांस भरनी है ना सांस छोड़नी है, फिर ऊपर जब भुजंग आसन में जाओगे फिर सांस लेनी है, फिर पर्वत आसन में आओगे तो सांस छोड़नी है। यानी जितने भी बेंडिंग वाले हैं, कंट्रैक्ट बॉडी जब हो रहा है, पेट जब निचुड़ रहा है, बेंड कर रहे हो आप, तब सांस छोड़ना है इसमें। और जहाँ जहाँ पे आप ऊपर उठ रहे हो ऐसे ऐसे, उसमें इनहेल करना है। बस आप एक बार अगर 2 बार इसको रियाज करोगे तो आपको आ जाएगा, बड़ा ही आसान है ये सूर्य नमस्कार। आज इतना ही, नमस्कार।